मृत्युंजय मेरे हाथ में क्या है? गुरुदेव मोबाइल फोन। मोबाइल फोन है? अच्छा, वेरी नाइस। अब तो बहुत साफ साफ देखने लगे, फिर तो हम दिखने लगे तुम्हें, दिखने लगे जी गुरुदेव। तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है इतने? गुरुदेव नहीं देखा, आज देखा। खुशी के आंसू है। बोले करोली सरकार की। कितने दिन बाद तुमने इतना साफ देखा है? 10 साल बाद। 19 साल बाद। पैदा होने से लेके नहीं दिखता था तब से? अच्छा, तब से हालत हो गई। बाई बर्थ थी जन्म से। 1400 ग्राम का पैदा हुआ था। 1400 ग्राम की थी। अंडरवेट था वो। और बैठे हैं पूर्वज महाराज, उनको दिखता नहीं, वही इनके पापा की हाल कर दिया, उनको भी यही हाल कर दिया, बच्चा इसको गर्भ में यही हाल कर दिया। हाल क्या कर दिया? वो जो पूर्वज रहेगा उसकी मुक्ति अगर नहीं है और वो रोग से उनको पीड़ित है तो वही समस्या बच्चे में साथ लेके पैदा होगी। प्रेम वश वो साथ हो जाते हैं तमाम पूर्वज, प्रेम में दुलार में, लेकिन वो जैसे है वैसे ही हो जाएगा बच्चा, इसका उन्हें ख्याल भी नहीं है। अच्छा, गर्भ में मृत्यु हो गई थी, ये उसके बाद पैदा हुआ, ये पहले हो गए थे। तो मृत्युंजय तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। उसने मिरर में देखा ही नहीं अपने आप को कि मैं कैसा लगता हूँ, उसको पता ही नहीं। अपने चेहरा नहीं देखा तुमने कभी आज तक? क्लियर नहीं देखा साफ चेहरा। अब मैं आज आपको चेहरा दिखाऊंगा आपका, है ना? हाँ, तो आप जरा खड़े होकर देखो, चल पाओगे तुम यहाँ? खुश? अरे वाह, खुश रहिए। इस ऊपर कहाँ कहाँ टहल पाओगे तुम? यहाँ पीछे ये दरबार दिख रहा है, मेरे पीछे दरबार दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है। हाँ, अंदर जाके बाबा को प्रणाम करके आओ अंदर। सरकार की जय। हर हर महादेव। बाबा पे गंदू दिखाई है, गुरु माता पे। कोई नहीं कोई नहीं, आ जाओ अपनी जगह पर, वापस आ जाओ आप। बहुत बढ़िया, खुश हो गए, खुश हो। बैठ जाइए अपने स्थान पे। ऐसा कभी सोचते थे दिखने लगेगा साफ साफ? नहीं ऐसे, लेकिन बोलता हमेशा जिस दिन गुरु जी के सामने पहुंचाऊंगा तो ये मतलब उस दिन मैं सब कुछ देखूंगा। अच्छा, अभी रात स्वप्न में भी इसको, जब हम मोदीनगर से चले, हाँ, तो कोई मुकेश करके कोई वीडियो डालते हैं तो उन्होंने कहा सब एंट्री नहीं है, आप अकेले जाओगे वापस ही आ जाओगे, इस तरीके की वीडियो डाली। हाँ, बिल्कुल। उनको रात स्वप्न में फिर गुरुदेव आए, हाँ, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, तुमको रूम भी मिलेगा, आ जाओ। करोली सरकार को दर्शन मतलब मिलते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा है ना, श्रद्धा है, ये श्रद्धा का ही फल है। अनन्य श्रद्धा है गुरुदेव। हाँ। देखिए मैंने तो आज तक ये सीखा, हाँ, मेरे पिताजी से भी और चाचा जी से भी, हाँ, कि बेटा कोई भी काम कर, हाँ, उसमें पूरी मेहनत कर और, हाँ, उससे प्यार कर, बिल्कुल, वो तेरे को मिल जाएगा। अपने काम से प्यार करो, हाँ, है ना जी? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, ये अच्छे संस्कार है। हाँ, संस्कार बहुत अच्छे है। तो अपना पिछला कुछ बहुत बड़ा इसके पास है ना, अपना पिछला बहुत है ना, तभी तो इसकी पूरी पूरी रोशनी आ जाएगी। बिल्कुल पूरी पूरी आ जाएगी इसकी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, पूरी पूरी आएगी। अभी तो इतना दिखने लग गया कि अपना एक काम कर सकेंगे, किसी आपके सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। हरिहर, लेकिन बहुत अच्छा होगा, इस बच्चे में बहुत चीजें हैं, काबिलियत है, काबिलियत तो बहुत है। हाँ, बहुत काबिलियत है।
तो कुछ पढ़ाई लड़ाई पढ़ाई इसने अभी 12th का एग्जाम दिया है, इसको एक राइटर प्रोवाइड किया जाता है स्कूल। अच्छा, एक राइटर जो है लिखने के लिए दिया जाता है। नहीं नहीं बिल्कुल होंगे 82% बहुत होता है लगन। अच्छा, बोलती थी मतलब ये सुनते थे, रिकॉर्डिंग करके दिया करती, रिकॉर्डिंग करके प्रश्न उत्तर दोनों, और बाद में फिर ये बोलते हैं वहाँ पर, वो लिख देता है परीक्षा में, राइटर परीक्षा में लिख देता है। आपको पता है एक बात मृत्युंजय, जो चीज देखकर नहीं याद होती उससे ज्यादा सुनकर याद होती है। सही कहा गुरुदेव, सही कहा। इसीलिए भारतीय परंपरा में, ऋषि मुनि परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में प्रवचन का बड़ा महत्व है कि सुन करके श्रवण करके, पहले कहा गया श्रवण फिर मनन, श्रवण मनन फिर अध्ययन। श्रुति वहीं से, हाँ हाँ, श्रुति श्रुति वही है। तो श्रुति जो है वो सर्वोच्च मानी गई है मनुष्य के, उसमें जो सुन लिया एक बार वो देखे रहने से ज्यादा याद रहती है। तो आप तो कमाल करते हो, सुन लेते हो फिर वो आपको याद हो जाती है, फिर आपको परीक्षा में राइटर मिलता है, फिर आप बोल देते हो लिख देता है। तो एक तरह का ये तो वरदान गुरुदेव की है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पापा और चाचा जब यहाँ दरबार आए, सब लेके आए, तो तुम्हें विश्वास हो गया था कि हम अच्छे होने लगेंगे? हमें तो गुरुदेव पहली बार से विश्वास था, पहली बार से विश्वास था जी। इसने पहली बार आके बोला था, तब हमने आपके दर्शन करे थे, तो ये बोला कि मेरे को पक्का ये विश्वास है मैं इस दरबार में ठीक हो जाऊंगा। वो इसकी श्रद्धा है, मेरे को कह रहा था, कॉन्फिडेंस के साथ है, बहुत कॉन्फिडेंस था इनको, फुल कॉन्फिडेंस। अभी भी घर पे भी बोलता है कि छठा हवन होते देखना मेरे को रोशन। अभी तो पांच ही हवन हुए, अभी तो पांच हवन हुए, अभी जब छठा होगा फिर सातवां होगा फिर सारे पूर्वज। अपना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाँ हाँ, कि जैसे पहले जो, अब तो जैसे मैं इतनी लाइट में भी घूम लिया, सब अंदर सजावट थी प्रभु के पास में, और पहले अगर मैं इतनी लाइट में जाता तो मेरी आंखें चौंधिया जाती। अच्छा, लगता था चौंधिया गए, ज्यादा रोशनी पसंद, ब्लिंक मतलब ब्लिंक होती थी एकदम से, ब्राइट हो जाती। उसमें ना जब भी इसको फोकस कराते ना आंखों के लिए तो चौंधिया जाते थे, तो वो ऐसे झिलमिल 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 होती थी। अच्छा, ब्लिंक की जो ब्लर हो जाता था सर, इसकी जो बाहर की जो साइट है, हाँ, जो ब्रेन में अंदर पिक्चर जाती है वो पेल बताई डॉक्टर्स, ओके, उनमें ताकत नहीं है, उन नसों में, तो उन नसों में ताकत ना होने से इसको पिक्चर क्लियर नहीं, इसलिए पिक्चर नहीं देते। अभी हमारे यहाँ दरबार में एक सज्जन है, उनका साला है, उसको ना दिन में दिखता था ना रात में दिखता था, दोनों ही स्थिति में 24 घंटे नहीं दिखता था किसी भी स्थिति में। फिर वो फर्स्ट टाइम यहाँ आया तो रात में आया, जब आया जी। तो दिखता नहीं था, वो पकड़ के लाया गया था, इसका राघव का जो साला है आकाश, तो वो एम्स का पेशेंट था। अच्छा, हाँ एम्स का, और यही कहीं इंदिरा हॉस्पिटल रहने वाले वहीं का है, मेरठ का हॉस्पिटल, मेरठ से बॉम्बे से इसका ट्रीटमेंट चला। अच्छा, वहाँ चला हिंदू राव अस्पताल बॉम्बे से, वहाँ इनका ट्रीटमेंट चला जो एशिया का नंबर वन डॉक्टर वो भी, मतलब तो क्या बोले फिर लास्ट में वो ये बोला कि मतलब जितना इसको दिख रहा है ये भी मतलब ईश्वर की कोई चमत्कार है, जो हल्का हल्का दिख रहा नहीं, चेक करके बता रही है इसको विजिबिलिटी नहीं, विजिबिलिटी नहीं है, जीरो है, दिखाई नहीं देगा नहीं। हाँ ठीक, वो डॉक्टर है, भगवान से बड़े तो है नहीं। तो वो लड़का आया और रात में आते ही बस बाबा को उसने यहाँ प्रणाम किया, दंडवत किया और 50% ज्यादा दिखने लगा, और अकेले ही निकल के पूरा घूमाया बाहर अंधेरे अंधेरे, हाँ, और फिर आके लौट के बैठ गया मेरे सामने। अच्छा, हाँ आज भी दिखता है, तो आता है कि अब वो एम्स वालों को कह रहा है कि एम्स वालों से कहा देखो तुम लाइलाज बीमारी है तुम्हारी, अभी इसका इलाज भी नहीं आया है, बीमारी का नाम बता दिया और ये कहा जब कभी खोज होगी कोई औषधि आएगी तो हम आपको सूचना देंगे, अब आप घर जाओ। तो सब जगह से निराश होकर एम्स गया था, एम्स ने भी कह दिया। अब देखिए वो आता है अपनी गाड़ी चला के आता है, यहाँ सब आता है वो तो, लेकिन आता रुकता है यहाँ 10-15 दिन, अब तो दिखने लगे। तो ऐसी बाबा कृपा है, ऐसी कृपा मृत्युंजय के ऊपर भी हुई। अरे पूरा आशीर्वाद, मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा, गाड़ी में आपको लेके जाऊंगा।
अच्छा बिठा के चला के बिल्कुल चलाएगा गाड़ी, बिल्कुल चलाएगा गाड़ी है ना बिल्कुल। फिर हमको बैठा के चलाना है मृत्युंजय को। गुरुदेव के मुंह से निकली बात मतलब पत्थर की लकीर है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। करौली सरकार की आन बान शान ये है कि पांच हवन करते ही आपके सभी प्रेत समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद आपको आश्रम आना पड़ता है। छठा हवन करने के पश्चात आपके सभी पूर्वज खुल जाते हैं, इसके पश्चात आपको आश्रम आना पड़ता है, उसमें दुष्ट पूर्वजों का संहार हो जाता है। और सातवां हवन करके आपको अमावस्या के दिन आना होता है, जिसमें आपके अच्छे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। उनमें से सिर्फ कोई एक पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी या माता पिता में से कोई एक पूर्वज अच्छा रखा जाता है, जो आपकी एनर्जी को महीने दो महीने में पूरी बॉडी में एडजस्ट कर देता है। उसके पश्चात आने वाली अमावस्या में उसको भी मुक्ति दे दी जाती है। यह यहाँ की परंपरा है। कृपया इसमें जो चैनल में तमाम ऑडियो पड़े हुए हैं उनको सुन करके ही आश्रम आएं और पूरी वर्कशॉप में हिस्सा लें। उसके लिए सुबह 10 बजे आना होता है और दो तीन घंटे, तीन घंटे, चार घंटे रहना पड़ता है। पूरा समझ के ही चिकित्सा करें। धन्यवाद।